हेलो माय लवली बेकर। तो आज मेरे पास एक छोटा सा वनीला वाला केक की ऑर्डर आया है। तो इसके लिए मैंने एक वनीला वाला छोटा सा स्पॉन्ज बना लिया, फिर उसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया हूँ। फिर मैंने डायरेक्ट राउंड टेबल के ऊपर केक बोर्ड रख के फिर उसके ऊपर थोड़ा क्रीम को स्प्रेड करने के बाद मैंने स्पॉन्ज की एक लेयर रखा हूँ। फिर उसको अच्छी तरह से मैंने नॉर्मल पानी से सोक कर लूँगी, कोई भी चीनी पानी से नहीं, बस मैंने नॉर्मल पानी से सोक करती हूँ स्पॉन्ज को। फिर सोक करने के बाद मैंने क्रीम दे के क्रीम को स्प्रेड कर लूँगी। और ये वनीला वाला क्रीम केक मैं बना रही हूँ तो इधर मैंने सिर्फ क्रीम ही यूज़ किया हूँ। आप लोग अगर चाहते हो, आप लोगों के बजट रहते हैं तो टेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोग जो व्हाइट चॉकलेट चिप्स होता है वो डाल सकते हो, या फिर जो व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट होता है वो चॉकलेट ग्रेट करके डाल सकते हो, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। या फिर चेरी के जो क्रास होता है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे बजट भी उतना नहीं थे तो इसलिए मैंने नॉर्मल क्रीम से ही बना दिया। फिर बनाने के बाद मतलब सेकेंड लेयर दिया, सेम स्टेप फॉलो किया, फिर एट लास्ट मैंने लास्ट लेयर को दिया हूँ। फिर उसको अच्छी तरह से बस नॉर्मल पानी से सोक कर लूँगी। फिर मैंने थोड़ा बहुत क्रीम दे के केक की जो क्रम कटिंग होता है वही कर लूँगी। फिर मैंने 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख के सेट कर लूँगी। इसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पहले मैंने साइड से कवर कर लूँगी, फिर मैंने ऊपर में थोड़ा बहुत क्रीम दे के केक की जो क्रम कटिंग होता है वो कर लूँगी। और एक दिक्कत होती है मेरा आजकल कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मेरे आसपास घूमते रहते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो तब भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम या फिर केक बनाने के टाइम मक्खियाँ इधर से उधर घूमते रहते हैं ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डिस्टर्ब होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ मैं काम करने में। तो और क्या करें, और ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है हाथ में कि थोड़ा वेट कर जाओ फिर मैंने दोबारा काम स्टार्ट करूँ। क्योंकि जब भी केक की ऑर्डर आती है जल्दबाजी में ही आती है, उसको मुझे जल्दी में देना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है हाथ में। और क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इधर मैंने पर्पल वाला क्रीम से केक की जो आइसिंग होता है वही कर लूँगी। और आज पहली बार मैंने पर्पल क्रीम से केक की आइसिंग कर रही हूँ। तो बस आइसिंग करने के लिए आज मैंने क्रीम को कोई भी पाइपिंग बैग में भर के नहीं यूज़ किया हूँ, बस नॉर्मल क्रीम को पैलेट नाइफ के मदद से उठाया फिर केक के ऊपर लगाते गया। पहले मैंने साइड की तरह किया हूँ, फिर मैंने ऊपर को किया हूँ। तो साइड को मैंने एक बार प्लेन स्कैपर से घुमा लिया तो हो गया, और ऊपर को मैंने पैलेट नाइफ के मदद से थोड़ा क्लीन कर लिया हूँ। और आज का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल में यूनिक वाला डिज़ाइन होने वाला है, तो जो लोग नए हो, बिगेनर्स हो, तो उसके लिए आज का डिज़ाइन बहुत ही मतलब परफेक्ट होने वाला है। तो पूरे आइसिंग करने के बाद मैंने लिया हूँ व्हाइट वाला क्रीम और उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया, और पाइपिंग बैग को बस छोटा सा कट किया हूँ, बहुत ही छोटा सा। और इधर केक के ऊपर ऊपर में साइड में छोटा छोटा डॉट डॉट जैसा मैंने व्हाइट क्रीम से कर लूँगी, तो इसमें दिखने में बहुत ही सुंदर दिखेगा। क्योंकि आज का जो डिज़ाइन था वो मुझे बोली कि डिज़ाइन थोड़ा अलग सा बनाना, मतलब बहुत ही सिंपल है लेकिन डिज़ाइन में कुछ नया दिखना चाहिए। और एक बात कि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। केक बनाना वो एक अलग बात है कि, लेकिन उसके साथ वीडियो बनाना वो और एक अलग बात है। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं, मतलब केक बनाने के साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं, तो उस लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लाती है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो इसके लिए तो मेरे चैनल पर तो बहुत सारे लोग हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं उस को बोलूंगी कि अगर वीडियो देखते हो, मेरे वीडियो से कुछ आप लोगों को बेनिफिट हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो के अगली वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों थोड़ा भी बहुत सपोर्ट नहीं करते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के पास ये रिक्वेस्ट है मेरा, ये थोड़ा कर देना। तो इधर मैंने और एक पर्पल कलर की क्रीम लिया हूँ पाइपिंग बैग में, और R11 नोजल मैंने लिया हूँ। और इधर मैंने फ्लावर नेल के ऊपर थोड़ा बहुत बेस बना लिया हूँ, और एक ही रोज़ बनाऊँगी बड़ा वाला, क्योंकि छोटा बहुत केक है, बड़ा वाला केक नहीं है। तो अगर मैं 2-3 रोज़ बनाऊँ तो अच्छा नहीं दिखेगा, और मेरे पास क्रीम भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए मैंने एक बड़ा वाला रोज़ बनाऊँगी। और फ्लावर बनाने के टाइम आज बहुत फिसल रही है, पता नहीं क्यों, तो देख ही रही हूँ बहुत ज़्यादा फिसल रही है फ्लावर। तो एक बड़ा वाला फ्लावर बना लिया, और बस मैंने मिडिल में थोड़ा बहुत क्रीम दे के उसके ऊपर मैंने फ्लावर को स्टिक करूँगी। तो फ्लावर को मैंने सीजर के मदद से उठाया, थोड़ा बहुत नाइफ के मदद लेके फिर उसको मैंने मिडिल में स्टिक कर दिया। और स्टिक करने के बाद मैंने व्हाइट क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया और उसको बस उल्टा भी शेप में कट किया हूँ, और उसी से मैंने फ्लावर के पूरे साइड पर छोटा छोटा जैसा मैंने लीप बना लूँगी व्हाइट क्रीम से। इसमें दिखने में और भी थोड़ा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने लगेगा।
तो आज का डिज़ाइन यही था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।